हेलो गाइज आई एम हियर टू शेयर अ स्टडी प्लान फॉर मे ट्वेंटी थ्री सी ए फाइनल एग्जाम्स ओके आई ऑलवेज यूज़ टू वंडर दैट दिस शुड बी डन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ ओनली वाई बिकॉज आई फील कि एवरी स्टूडेंट इज एट अ डिफरेंट स्टेज एक्चुअली सम स्टूडेंट्स वुड हैव कम्प्लीटेड देयर लेक्चर्स टू थ्री ईयर्स बैक ओनली बिकॉज दे टेक एस एफ एम लेक्चर्स लाइक सी ए फाइनल की जर्नी में एस एफ एम लेक्चर्स यूजअली सबसे पहले लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाकी सब कर लिया एस एफ एम पूरा बाकी है Some students would have taken lectures, but they have not been able to complete. So, very different things, you know. Some people get more time for uh, from articleship. unko jyada छुट्टियाँ milti hai Some students get very less time from the articleship and so on so forth. Some students are very comfortable with the subject. Some people do not like it at all. So maybe like मुझे लगता था ये plan मैं कैसे बना पाऊँगी. But of late मुझे realize ये हुआ कि बच्चों को शायद guidance लगती है. एक maybe like वो changes कर सकते हैं plan के अंदर मैं अपने हिसाब से. बट शायद एक ब्रॉड लेवल पे बच्चों को बताया जाए कि तुम ऐसे ऐसे करो तो दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दैट इज़ वाई आई फेल दैट आई कैन डू दिस बट दिस स्टडी प्लान वुड बी मीनिंग मोर फॉर पीपल हु आर डूइंग एस फॉर द फर्स्ट टाइम टेंशन की कोई बात नहीं है जो बच्चे जिन बच्चों का ऑलरेडी एक अटैम्प्ट से ज़्यादा हो चुका है उनके लिए मैं और भी स्टडी प्लान्स शेयर करूंगी ग्रेजुअली विद टाइम ओके आई एम श्योर इट इज़ अ बिट अर्ली बिकॉज अपने नवंबर के अंदर में खड़े और अपने पास टाइम है बट बहुत सारे बच्चों को दिसंबर से छुट्टियाँ मिलनी शुरू हो जाती है फॉर द एग्जाम्स सिक्स मंथस का लीव मिलता है उनको एंड डैट इज़ वाई आई फील दट यू कैन स्टिक टू दिस प्लान इफ यू फील कम्फर्टेबल ओके तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे गिव और एलोकेट अराउंड ट्वेंटी डेज टू फर्स्ट रीडिंग ऑफ एस एफ एम वाई डूइंग दिस फॉलोइंग शुड बी एंड शोर्ड तुमको कम से कम ट्वेंटी डेज तो देना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है आगे जाकर के मैंने ये भी तुमको बताया है कि ट्वेंटी डेज़ के अंदर में कितना टाइम या कितने डेज तुमको फ़ॉरेक्स को देना चाहिए कितना डेरिवेटिव को देना चाहिए कितना पोर्टफोलियो को देना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ लेकिन वैन यू आर डूइंग योर फर्स्ट टाइम यू नो आफ्टर द लेक्चर्स जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए तुमको तुमको ईच एंड एवरी सम लिख के करना चाहिए याद रखना अगर नहीं लिखोगे तो पेपर में नहीं लिख पाओगे दिमाग बोलेगा मेरे को सम आता है हाथ बोलेगा सम नहीं आता है कई बार ऐसा होता है कि अपन सम लिख रहे हैं अपने को लगता है मेरे को आता है बट आई एम नॉट एबल टू राइट दैट हैपन्स बिकॉज यू हैव नॉट डन एनफ राइटिंग प्रैक्टिस कोई भी प्रैक्टिकल पेपर हो अगर नहीं लिखोगे तो मुश्किल होगी इनफैक्ट थियोरी पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें लिख के ही करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है ओके okay? जब ये तुम कर रहे हो तो तुमको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से सम्स तुम्हारी बहुत बेसिक और ईजी है ओके okay, कौन से मीडियम लेवल के ईजिली मैनेजेबल दो एंड विच वंस आर लाइक ऑन अ हायर स्केल ओके okay. ये ग्रेडिंग फर्स्ट टाइम पढ़ते समय अगर तुम कर दोगे तो जब तुम सेकेंड डिविजन करने को जाओगे इट विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू वुड बी बिहेविंग मोर एफिशियंट टुवार्ड्स द रिविजन एक्चुअली एंड दैट इज़ वाई आइव रिटन हियर ग्रेडिंग द सम्स इंटू कैटेगरीज पहला क्या बोला लिख के ही करना है बिना लिखे करोगे नहीं होगा पेपर अच्छा तुम्हारा ग्रेडिंग द सम्स इंटू कैटेगरीज लाइक ए बी एंड सी मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम बेसिक एंड ईजी इसके अलावा ये तो मैंने ग्रेडिंग कर दी कि मुझे ए वाले सम्स तो हमेशा मुझे देखना ही पड़ेगा उसके बिना कुछ होने नहीं वाला है या फिर उसमें से बहुत सारे सम्स में लॉजिकल रीजनिंग बैठ जाती है तो अपन कर भी पाते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ये ग्रेडिंग करनी क्यों जरूरी है पता है क्या तुम्हारे एग्जाम में वन एंड हाफ डेज का तुमको टाइम मिलेगा रैंडम ओके उसमें तुम कितने सारे सम्स तुम कर नहीं पाओगे 600 700 सम्स अगर ट्राई करोगे तो वो इम्पॉसिबल है करना एंड दैट वुल लिख के करना या हर सम को रिवाइज करना भी पॉसिबल नहीं होगा व्हेन यू डू दिस ग्रेडिंग नंबर वन योर सेकंड थर्ड रिवीजन वुड बी वेरी वेरी एफिशिएंट इफ एट ऑल यू आर गेटिंग टाइम टू डू दैट एंड दैट वन एंड हाफ डेज ऑफ लाइक प्रिपरेशन वुड बी वेरी 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 एफिशिएंट बिकॉज यू एक्ग्जैक्टली नो कि तुम्हें कौन से सम्स देखने हैं हमको टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज हमने प्लान प्रॉपर नहीं किया उसको ओके okay? इसके अलावा कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकता हमें वो नहीं बता सकते जिनको तुम कितनी बार भी कर लो हम कभी कंफर्टेबल नहीं होते तो वो सम्स को तुम माफ करो बिकॉज वो सम्स जैसे तुम नोटबुक अपने सामने से हटाओगे वो सम्स दिमाग में तुम्हारे लिए पैनिक क्रिएट करेगा ये आ गया तो वो आ गया तो ऐसा सो जस्ट टेक दैट लिस्ट आउट दे वुड बी हार्डली टेन इन नंबर और फाइव इन नंबर और सेवन इन नंबर आई डोंट नो दैट कुड बी यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर दैट मैटर और वो सम को एक अलग से लिस्ट बना लो तुम बिकॉज दोज आर द सम्स जो तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली पैनिक क्रिएट करे कि अगर ये सम आ गया मैं ये स्टेप भूल गया या भूल गई तो क्या होगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके वैसे मैंने लिखा यहाँ पे पॉसिबली दिस कैन भी डन बटर आफ्टर द सेकंड रीडिंग बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में तुमको ये बात शायद पता नहीं चलेगी वैन यूर डूंग द सेकंड रीडिंग एन यू रियलाइज दट ओके सम थो मैंने इतने अच्छे से किया था फिर भी मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ तो ये सेकंड रीडिंग के बाद तुमको ज्यादा पता चलेगा तो यू कैन टेक अ कॉल देर कि ओके दिस आई विल डिसाइड आफ्टर द सेकंड रीडिंग बट इफ पॉसिबल ट्राई वाई डूइंग द फर्स्ट वन ओनली ये मैंने लिखा है अपनी तरफ से मे बी लाइक इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना वाइल यू आर प्रिपेयरिंग ओके नाउ एलोकेशन ऑफ डेज टॉपिक वाइज मुझे लगता है फॉरिक्स एंड आई को तुमको फोर डेज देना चाहिए फोर डेज में तुम्हारे गाइज अगर तुम पढ़ने बैठोगे तुमको कम से कम ट्वेल्व टू थर्टीन आवर्स तुमको बैठना पड़ेगा तब जाके ये शेड्यूल हो पाएगा इफ यू आर राइटिंग ऑल द सम्स एंड यू हैव टू राइट ऑल द सम्स कैलसी पे मत करना पहली रीडिंग में बिकॉज नहीं कर पाओगे पेपर लिखना मुश्किल हो जाएगा मे बी देर वुड बी सम एक्सेप्शंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम बट इन जनरल आई फील दैट यू शुड बी राइटिंग 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 वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स एग्जाम फॉर एक्स एन आई एफ एम शुड टेक फोर डेज दीज डेज कैन बी लाइक एडजस्टेड एज पर योर रिक्वायरमेंट ये मैंने स्टैंडर्ड अपने हिसाब से लिखा है डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड वार को पाँच दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए यू शुड ट्राई टू फिनिश इट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यू शुड टेक थ्री डेज़ म्यूचुअल फंड शुड नॉट टेक मोर देन वन डे देन बॉन्ड्स को टू डेज़ इक्विटी थ्री डेज मर्जर को टू डेज आई एम श्योर गाइज मैं मुझे पता है ये बात का कि इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा बट मैंने ट्वेंटी डेज़ जान बुझ के ब्लॉक किया है क्योंकि अगर तुमने दो चार दिन ज़्यादा लिया तो अगर मैं ट्वेंटी फाइव डेजूँ लिखूंगी तो तुम थर्टी डेज़ ले लोगे अगर मैंने ट्वेंटी लिखा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे तो दिमाग में एक ब्लॉक आएगा कि ओके आई एम रनिंग ओवर बोर्ड मेरे प्लान से मैं बाहर जा रहा हूँ एंड यू विल ट्राई टू बिकम मोर एफिशियंट एक्चुअली सो आई होप आई यू अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली एम ट्राइंग टू टॉक नाउ एलोकेट टेन डेज फॉर सेकंड रिविजन अब इस रिविजन के समय पर सी कटेगरी के जो सम्स है तुम्हारे जो बे 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 बेसिक्स वे एंड इफ यू आर कंफर्टेबल ट्राई टू डू देम ऑन कैलसी ओनली डोंट राइट ओके देन बी कटेगरी में यू कैन ट्राई टू सिलेक्ट अफ विच यू शुड राइट एंड सम ऑफ दे यू कैन डू ऑन द कैलसी वाइल्ड राइटिंग यू नो जब तुम फिर से लिख रहे हो ओके यू कैन डू अ फ्यू स्टेप्स इन राइटिंग एंड स्किप अ फ्यू स्टेप्स एक्चुअली पूरा पूरा लिखने की जैसे हम तो एग्जाम जब लिखते हैं क्लास के अंदर में सम्स तो हम बहुत डिटेलिंग करते हैं एग्जाम में तुमको वैसे ही लिखना एक्चुअली ओके बट वाइल रिवाइजिंग पूरा मत लिखो जो कोर पार्ट है कैलकुलेशन का वो लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइम बचेगा तुम्हारा ओके एंड ए शुड भी रिटर्न प्रॉपरली बिकॉज आई फील उसमें स्टेप्स बिकॉज ए सम्स वो वाले होते हैं जहाँ पर तुम्हारी लॉजिक डेवलप होनी होती है इफ यू डू नॉट राइट द होल थिंग कैसे होता है कि ये स्टेप लिखे तो यूजुअली क्या होगा तुम्हारे दिमाग में उसके अगले वाला स्टेप नेचुरली आने लग जाएगा ओके इट विल कम ऑटोमेटिकली सो इफ यू डू नॉट राइट द होल थिंग यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन द लॉजिक यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन द स्टेप्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द स्टेप्स एंड यू माइट बी लाइक स्ट्रेस आउट हो जाओगे तुम कि टेंशन आएगा अरे मैंने तो पढ़ लिया था फिर मुझे नहीं आ रहा इसलिए आई वुड रिकमेंड दैट ए सम्स ए कैटेगरी सम्स शुड बी रिटर्न पूरा

नंबर ऑफ चैप्टर्स जितने भी थ्योरी चैप्टर्स uh, हैं तुम्हारे थ्योरी जिसमें से आती है टोटल पूरा एस एफ करिकुलम की बात रही हूँ फिफ्टी परसेंट ऑफ द चैप्टर्स को मैंने एस एफ थियोरी मैराथन में खत्म कर दिया था अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास कम से कम जब घूम यू नो काइंड ऑफ वाइल वॉकिंग वाइल यू आर डूइंग और वाइल यू आर लेजिंग अराउंड जस्ट

प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अपडेट्स ओके सब्सक्राइब करो चैनल को तुमको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है फॉर मे 23 थ्री एग्जाम्स ओके आई एम नॉट टेलिंग यू नाउ बट या ग्रेजुअली पूरा का पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा सो प्लीज़ प्रेस द बेल एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच एंड मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स वॉट यू फील लाइक टू दिस प्लान ओके थैंक यू